फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान ने फॉगिंग को लेकर भाजपा शासित एमसीडी पर लगाए आरोप, कहा पैसा लेना जानती है, काम करना नहीं जानती। आप देख सकते हैं कि बुधवार की सुबह सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जाफराबाद का ये क्षेत्र है, जहां पर गली मोहल्ले और घर के अंदर फॉगिंग अभियान चालू किया है विधायक अब्दुल रहमान ने। जब विधायक अब्दुल रहमान ने कहा कि एमसीडी विफल रही है, डेंगू जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी ने जिम्मा लिया है, जो कि हर विधानसभा में घर घर जाकर फॉगिंग की जाएगी। साथ ही कहा कि एमसीडी पैसा लेना जानती है, चोरी करना जानती है, मगर वो काम करना नहीं जानती। अगर वो काम करती तो आज आम आदमी पार्टी को ये जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। मगर एमसीडी जो भाजपा शासित है, उसने काम के अलावा करप्शन किया है और कुछ काम नहीं किया है। सुने आप विधायक अब्दुल रहमान की बाइट। एमसीडी की नाकामी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने हमेशा जंग शुरू की है। आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पूरी दिल्ली के अंदर हर गली गली में जाकर, हर घर घर में जाकर फॉगिंग अभियान शुरू किया है और फॉगिंग करा रहा है, ताकि मलेरिया के डेंगू मच्छर को मारा जा सके और लोगों को डेंगू जैसी बीमारी से बचाया जा सके। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह अरविंद जी के कहने पर यह मुहिम को अपने हाथ में लिया है और लोगों को डेंगू की बीमारी से बचाने के लिए पूरी मुहिम एक छेड़ दी है पूरी दिल्ली के अंदर। अगर एमसीडी काम करती तो दिल्ली की सरकार को और दिल्ली की सरकार के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों को ये मुहिम न उठानी पड़ती, अपने हाथ में न लेनी पड़ती। अगर जिम्मेदारी के साथ एमसीडी अपने कार्य को निभाती, एमसीडी पूरी तरह से विफल रही है, नाकाम रही है। उसको सिर्फ पैसे कमाना, चोरी करना आता है, लोगों की हिफाजत करना नहीं। अगर हिफाजत करना आता तो आज डेंगू जैसी बीमारी पूरी दिल्ली के अंदर न फैल पाती। इसकी मुहिम को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने उठाया है और इंशाल्लाह आज पूरी दिल्ली की गली गली में हम फॉगिंग करेंगे और लोगों को पूरी तरह बचाने की कोशिश करेंगे। दरअसल क्या है कि 350 केसेस कोरोना के हैं पूरी दिल्ली में और ये डेंगू के केस 1500 ज्यादा पार कर चुके हैं। हॉस्पिटल में जगह नहीं है। जो खुद एमसीडी का हॉस्पिटल है स्वामी दयानंद, उसमें 100 बेड लगाए थे एमसीडी ने, लेकिन वो पूरे फुल हो चुके हैं। आज हॉस्पिटल में जगह नहीं है। इसी को लेके देखते हुए आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर ने, आम आदमी पार्टी के एमएलएस ने, काउंसलर्स ने, सब ने ये अपने हाथ में ले लिया है। जब तक डेंगू जैसी बीमारी खत्म नहीं होगी, हम एरिया में जाकर फॉग करवाएंगे।